हेलो स्टूडेंट, तो ये इस सीरीज़ के अंदर जो है मैं जेई एडवांस के जो पास्ट ईयर के पेपर्स हैं 2007 से लेकर के 2018 तक के, उसमें क्लास 11th के टॉपिक्स के क्वेश्चंस का एक डिस्कशन कर रहा हूँ, सो दैट यू कैन रिवाइज योर जेई एडवांस सिलेबस और अपनी एक स्ट्रेटेजी बना सकते हो आप कि हमें कैसे रिवाइज करना है, क्या क्या पॉइंट्स रिवाइज करना है। तो इसके ये ऑर्गेनिक का अभी सेशन चल रहा है, तो इसके अंदर मैंने सिलेबस का डिस्कशन किया था सबसे पहले पार्ट के अंदर, वीडियो के अंदर, ऑर्गेनिक का पार्ट जो वीडियो बनाया उसके अंदर। तो उस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है, रिवाइज करना है पॉइंट्स को, और थोड़ा सा उसी के अंदर और हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स की वेराइटीज़ को हमें सोच लेना है। तो कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे अराउंड 2007, 2008 और 2009 तक का पेपर हमने कर लिए थे, और ये 2010 में भी कुछ हो गया होगा, तो देखते हैं कहाँ तक किया आपने। तो ये देखिए आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, 2010 का ही है, पेपर वन का एक क्वेश्चन है। सिंथेसिस ऑफ थ्री ऑक्टाइन इज अचीव्ड बाय एडिंग अ ब्रोमो एल्केन इनटू अ मिक्सचर ऑफ सोडियम अमाइड एंड एन एल्काइन। द ब्रोमो एल्केन एंड एल्काइन रेस्पेक्टिवली आर। तो आप सिलेबस में अगर देखेंगे तो उसके अंदर जो है मेटल एसिटिलाइड गिवन था, उस मेटल एसिटिलाइड के कॉन्सेप्ट पर, या मतलब जो एल्काइन और मेटल एसिटिलाइड के कॉन्सेप्ट्स पर, या जो मेटल एल्काइनाइड है उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। तो इसके अंदर यहाँ पर जो है एक हमें ऑर्गेनिक हैलाइड लेना है और उसको एक एल्काइन के साथ सोडियम अमाइड की प्रेजेंस के अंदर जो है मिक्स करना है और एक ऑक्टाइन प्रोड्यूस करना है। तो आप सबसे पहले तो हमें एक ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढ लेना है जिसके अंदर बेसिकली हमारा जो है ये नंबर ऑफ कार्बन एटम टोटल 8 ही रहना चाहिए। तो ये जो ए ऑप्शन है इसको अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो जो ब्रोमो एल्केन है उसमें 5 कार्बन एटम है और जो ये टर्मिनल एल्काइन है इसमें 4 कार्बन एटम है। तो यहाँ से एक एल्केन बनेगी, एल्काइन बनेगी, और ये एल्काइन जो है बेसिकली 9 कार्बन एटम वाली एल्काइन होगी, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। बी सी डी के अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ जो हमारा ब्रोमो एल्केन है ऑप्शन बी का, उसके पास में 3 कार्बन एटम है और जो टर्मिनल एल्काइन है इस टर्मिनल एल्काइन के पास 5 कार्बन एटम है, तो 5+3 8 होता है, ठीक है। और सी ऑप्शन को अगर हम देखेंगे तो इसको इसने रिवर्स कर दिया है, जो ब्रोमो एल्केन है वो 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन का ले लिया और टर्मिनल एल्काइन जो है वो 3 कार्बन का ले लिया, ये भी ठीक है। और डी ऑप्शन को अगर हम देखेंगे तो ब्रोमो एल्काइन, जो ब्रोमो एल्केन है वो 4 कार्बन का है और जो टर्मिनल एल्काइन है वो भी 4 कार्बन का है। तो इसका मतलब इन सबसे एक जो है हमारा ऑक्टाइन बनेगा, बट उस ऑक्टाइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन जो है वो कहाँ पे होगी ये मैटर करती है। तो ट्रिपल बॉन्ड की पोजिशन हमें 3rd कार्बन पर रखना है। तो इसका मतलब जो एल्काइन हम लेंगे उस एल्काइन के अंदर ऑलरेडी जो है हमारे पास में सिर्फ 3 कार्बन की चेन होनी चाहिए और उसमें 3rd कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो ये एक ऑप्शन जो है हमें नजर आ रहा है, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये जो है 3 कार्बन की चेन वाला मुझे दिख रहा है, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन दिख रहा है। बट आप जब इसको आप रिएक्शन करा दोगे तो काउंटिंग जब आप स्टार्ट करोगे तो काउंटिंग इधर से ही स्टार्ट होगी और एक्चुअल में ये 2 ऑक्टाइन बन जाएगा। ऐसी सी ऑप्शन को, डी ऑप्शन को अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर जो है देखिए ओवरऑल क्या होना है कि हाइड्रोजन को हटाना है आपको, सोडियम अमाइड इस H प्लस को रिमूव कर लेगा, इस सी के पास में माइनस चार्ज आएगा और ये जो ब्रोमो एल्केन है उसके ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर देगा और एक न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास में कंपाउंड है इधर एक कार्बन चेन अटैच हो जाएगी और इसमें 4 कार्बन ऑलरेडी और इधर भी एक 4 कार्बन की चेन अटैच हो जाएगी, तो फिर जो एक ऑक्टाइन बनेगा उसकी नेमिंग अगर करेंगे तो 1, 2, 3 ऑक्टाइन यहाँ से बनेगा। तो ये डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्लास में आपको अच्छी तरीके से समझाया जाता है कि हायर एल्केन की प्रिपरेशन का मेथड जो है वो इंपॉर्टेंट मेथड है, तो उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो ऑफिशियल आंसर अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर जो है हमारा डी आंसर आएगा और ये डी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगेन जो है वो एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। बॉन्ड एनर्जी इन किलो कैलोरी पर मोल ऑफ ए सीसी सिंगल बॉन्ड इज अप्रॉक्सिमेटली। तो ये एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो बहुत ज्यादा भी नहीं होती है बॉन्ड एनर्जी और बहुत कम भी नहीं होती है, कार्बन कार्बन बॉन्ड एक स्ट्रांग बॉन्ड होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए मेरे हिसाब से जो है एग्जामिनर ने जो आइडिया लिया होगा वो बेसिकली जो ग्रुप 14 के अंदर आप कैटिनेशन प्रॉपर्टीज पढ़ते हो वहाँ से आया होगा। वहाँ पे जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, सिलिकन सिलिकन सिंगल बॉन्ड, इन सब की स्ट्रेंथ का एक कंपैरिजन किया हुआ है जस्ट टू एक्सप्लेन कि वाई कार्बन हैव स्ट्रॉन्ग एबिलिटी फॉर कैटिनेशन। तो इसका आंसर जो है वो 100 किलो कैलोरीज पर मोल होगा। तो ये और डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप चेक कर सकते हो। तो आंसर इसका सी ही आ रहा है।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में एक न्यूमैन प्रोजेक्शन गिवन है. ये न्यूमैन प्रोजेक्शन जो है वो 2-2 डाई मिथाइल ब्यूटेन के लिए गिवन है और इसमें हमें एक्स और वाई को आइडेंटिफाई करना है कि एक्स और वाई जो है वो क्या हो सकते हैं. तो एक्स और वाई को आइडेंटिफाई करने के लिए पहले मैं स्ट्रक्चर बना लेता हूँ यहाँ पे कि ये 2-2 डाई मिथाइल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर जो है वो क्या होगा. तो ये 1-2-3-4 कार्बन की चेन हो गई और ये हमारे पास में 2-2 डाई मिथाइल ब्यूटेन हो गया. अब यहां पर इसके न्यूमैन प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के लिए हमें कोई भी एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड सेलेक्ट करना है. तो मैंने ये चार कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हाईलाइट कर लिए. इन चार कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में अगर हम न्यूमैन प्रोजेक्शन अगर ड्रॉ करते हैं C1 C2 के अबाउट और C2 C3 के अबाउट और C3 C4 के अबाउट, तो यहां पर क्या क्या होंगे. तो इसके अबाउट जो भी हम न्यूमैन प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे तो C1 के पास में जो होंगे वो 3 हाइड्रोजन एटम होंगे. C1 के पास में जो है वो 3 हाइड्रोजन एटम होंगे और C2 के पास में 2 मिथाइल ग्रुप होंगे और एक जो है आपके पास में, इसके पास ये 2 CH3 होंगे और एक जो है वो इथाइल हो जाएगा. ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं. फ्रंट कार्बन एटम के पास में 3 हाइड्रोजन एटम और जो हमारा रियर कार्बन एटम है उसके पास में 2 मिथाइल और एक इथाइल ग्रुप होगा. 2 मिथाइल और एक इथाइल ग्रुप हो जाएगा. अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास में अगर मैं C2 C3 को अगर ले लेता हूं तो फ्रंट कार्बन एटम के पास में क्या होंगे, 3 मिथाइल ग्रुप हो जाएंगे. ये फ्रंट कार्बन एटम होगा हमारा, तो इसके पास में 3 मिथाइल ग्रुप होंगे और रियर कार्बन एटम के पास में फिर जो है ये 3 जो रियर कार्बन एटम है उसके पास में जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसके पास में 3 हाइड्रोजन एटम हो जाएंगे. 3 मिथाइल और 3 हाइड्रोजन एटम, सॉरी यहां पर रियर कार्बन एटम के पास में 2 हाइड्रोजन एटम और एक मिथाइल ग्रुप हो जाएगा. यहां पर 2 हाइड्रोजन एटम है और ये एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है. नाउ C3 C4 को अगर हम देखेंगे, C3 C4 को अगर हम स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे तो इस C3 C4 के अंदर ये फ्रंट कार्बन एटम हो गया तो इसके पास में 2 हाइड्रोजन एटम आ जाएंगे और एक टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप हो जाएगा. 2 हाइड्रोजन एटम और एक टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप, ये इसी के पास में. और 4 को अगर हम देखेंगे तो इसके पास में ये 3 हाइड्रोजन एटम हो जाएंगे. तो 2 हाइड्रोजन और एक टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप और उसके पास में 3 हाइड्रोजन एटम. तो ये जो है वेरियस टाइप के ग्रुप्स हमें न्यूमैन प्रोजेक्शंस के अंदर दिखाई देंगे. तो इसका मतलब है अब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स बना हुआ है उस स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कह रहा है कि ये हमारे पास में एक ग्रुप है, इसमें ये 2 हाइड्रोजन एटम है और ये कोई ग्रुप एक्स है. और दूसरा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसके अंदर कह दिया है कि ये CH3 है, 2 CH3 है और ये कोई Y है. तो इसका मतलब हमें एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें 2 H एक ही कार्बन पर है या 2 CH3 एक ही कार्बन पर है. तो 2 H अगर मैं देखता हूं तो ये 2 H हमें यहां पे दिख रहे हैं तो फिर एक मिथाइल हो जाएगा और फिर ये भी मिथाइल आ जाएगा. यहां पे 2 H हमें यहां पे भी दिख रहा है, ये एक ग्रुप आ जाएगा और ये टर्ट ब्यूटाइल आ जाएगा. यहाँ पर अगर मैं 2 मिथाइल अगर देखता हूँ तो फिर दूसरा वाला ये वाई जो हमारा इथाइल हो जाएगा और ये एक्स जो है वो हाइड्रोजन. तो ये ऐसे ऐसे वेरियस केसेस आप बना सकते हो और इन केसेस में से आप जो है ऑप्शन चूज कर सकते हो कि आपका क्या होगा. तो देखिए एक्स और वाई ये कह रहा है कि एक्स और वाई दोनों जो है वो हाइड्रोजन हो सकते हैं. तो एक्स और वाई दोनों को हाइड्रोजन कैसे ले सकते हैं आप, एक्स और वाई दोनों को हाइड्रोजन नहीं ले सकते आप. ये अगर मैं फ्रंट कार्बन एटम लेता हूं और ये रियर कार्बन एटम लेता हूं तो कैसे हो सकता है यहाँ पे. तो देखिए ये फ्रंट कार्बन एटम और रियर कार्बन एटम, तो दोनों के अंदर जो है हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है कि दोनों हाइड्रोजन हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है. एक हाइड्रोजन हो सकता है, एक हाइड्रोजन लेंगे तो दूसरा फिर कोई और ग्रुप होगा. तो जैसे बी ऑप्शन को अगर आप देखिए, अगर मैं कहता हूं कि ये फर्स्ट वाला कार्बन जो है हमारा इसका एक्स जो है वो हाइड्रोजन है तो फिर ये हमारे पास में एक टाइप से जो ग्रुप हो गया ठीक है C1 टाइप का हो गया और फिर उसके पास में ये जो वाला होगा वो C2 होगा और उसके पास में फिर एक इथाइल ग्रुप आएगा. तो बी ऑप्शन इसके अंदर ही करेक्ट है. अब अगर मैं X को C2H5 अगर ले लेता हूँ तो फिर Y जो है वो हाइड्रोजन होगा, ये तो नहीं हो सकता है. क्योंकि देखिए आप एक ही कार्बन पर अगर आपको 2 CH3 अगर नजर आ रहे हैं तो उनके पास उसके पास एक हाइड्रोजन है ही नहीं, एक ही कार्बन. इसका स्ट्रक्चर आप बना लोगे तो जो सेकेंड कार्बन एटम है वहां पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं तो ये सेकेंड कार्बन ही होगा ना, उसके पास में हाइड्रोजन नहीं होगा तो इसलिए ये सी ऑप्शन नहीं हो सकता है. डी ऑप्शन को अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास में अगर वाई अगर सी एस थ्री है
बिल्कुल डेफिनेटली वाई हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो है एक ये नियोपेंटाइल टाइप का ग्रुप इसके अंदर आ गया, तीन सी एस थ्री दिख रहे हैं आपको एक ही कार्बन पर, इसलिए ये एक्स बी सी एस थ्री हो सकता है और वाई बी सी एस थ्री हो सकता है। तो स्ट्रक्चर ये आपने जो मैंने अभी बताया है उसको ड्रॉ करके देख सकते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो जो मुझे लग रहा है यहाँ पे ऑप्शन बी और ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो सकते हैं। तो ऑफिशियल आंसर देख लेते हैं क्या है, वो बी एंड डी ऑफिशियल आंसर शो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गया हमारे पास में, टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक आइसोमर्स पॉसिबल फॉर ए हाइड्रोकार्बन विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H6। अगेन स्ट्रक्चर्स पर बेस्ड क्वेश्चन आ गया, देखिए फिर एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया। तो मैंने आपको जैसे पहले ही कहा था कि आप इनके स्ट्रक्चर्स आइडेंटिफाई करिए, ड्रॉ करके रखिए, एग्जाम में जाकर के आंसर फाइंड आउट करो, टिक करो, बस और कुछ नहीं करना है इसके अंदर यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ C4H6 के अंदर जो है कितने स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हो सकते हैं। तो आप ड्रॉ करके इनको अब नेक्स्ट टाइम याद रखिएगा या कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास में है वो C4H6 है, और C4H6 के अंदर डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन अगर हम निकालेंगे तो इसके अंदर 2 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन आएगा। तो ये 2 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इंडिकेट कर रहा है कि जो भी हम स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे उसके अंदर या तो एक डबल बॉन्ड हो सकता है, सॉरी, या तो इसके अंदर 2 रिंग्स हो सकती हैं, ठीक है, या फिर 1 रिंग और 1 डबल बॉन्ड हो सकता है, या फिर इसके अंदर हम 1 ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं, या फिर हम 2 डबल बॉन्ड बना सकते हैं। ये वेरियस पॉसिबिलिटीज है, बट यहां पे हमें फाइंड आउट करने हैं ओनली साइक्लिक स्ट्रक्चर्स, हमें सिर्फ और सिर्फ साइक्लिक स्ट्रक्चर्स आइडेंटिफाई करने हैं। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम रिंग ही बनाएंगे। तो 4 कार्बन के लिए हम स्टार्ट करते हैं कि यहां पर जो है हमारे पास में 2 रिंग हो सकती है। तो 4 कार्बन के लिए 2 रिंग हम बना सकते हैं बाईसाइक्लो टाइप का कंपाउंड। अब मैं 1 रिंग बनाता हूं, तो 1 रिंग अगर मैं बनाता हूं तो 4 मेंबर रिंग बना लेता हूं। तो ये मैंने 1 4 मेंबर रिंग बना ली है, और इसमें 1 डबल बॉन्ड बनाना है, तो कहीं पे भी बना सकते हैं, एक ही पॉसिबिलिटी है जहां पे हम डबल बॉन्ड बना सकते हैं ना। बाकी के स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम रिंग की साइज को 1 कार्बन से शॉर्ट कर सकते हैं। तो मैं 3 कार्बन की 1 रिंग बना लेता हूं, और इसके अंदर जो है हमें 1 कार्बन कहीं ना कहीं प्लेस करना होगा, टोटल 4 कार्बन एटम है ये। अब इस अरेंजमेंट में मुझे 1 डबल बॉन्ड बनाना है, तो इस अरेंजमेंट में 1 डबल बॉन्ड बनाएंगे तो वो डबल बॉन्ड यहां बनाया जा सकता है, वो डबल बॉन्ड यहां बनाया जा सकता है, वो डबल बॉन्ड यहां बनाया जा सकता है। तो ये डबल बॉन्ड अगर हम यहां बना देंगे तो ये एक हमारे पास में स्ट्रक्चर हो गया। इस डबल बॉन्ड को अगर मैं यहां बना दूंगा तो दूसरा ये वाला स्ट्रक्चर हो जाएगा, इस डबल बॉन्ड को अगर हम यहां बना देंगे तो ये तीसरा वाला स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये आएगा हमारे पास में ऐसा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये बाईसाइक्लिक का 1 बन गया, और मोनोसाइक्लिक में 4 मेंबर रिंग का ये 1 हो गया, और मोनोसाइक्लिक में 3 मेंबर रिंग के अंदर ये 3 हो गए। तो ये टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स अगर देखेंगे तो ये 5 हो रहे हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमें सिर्फ साइक्लिक स्ट्रक्चर को कंसिडर करना है, तो 5 साइक्लिक स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा ऑफिशियल आंसर है, टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक आइसोमर्स, और किसी के अंदर कोई स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है वो पॉसिबल नहीं होगी, कोई स्टीरियो आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए इसका ऑफिशियल आंसर भी 5 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ गया हमारे पास में, कुछ एरोमेटिक सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बाई सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स आ गए, PQR वर सेपरेटली सब्जेक्टेड टू नाइट्रेशन यूजिंग नाइट्रेटिंग मिक्सचर, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन ईच केस रेस्पेक्टिवली। तो मेजर प्रोडक्ट हमें ढूंढना है। तो देखिए, जो हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें देखा था कि ये जो वेरियस टाइप के ग्रुप्स है इनका ओरिएंटेशन इफेक्ट कैसा है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो हमारे पास में बेंजीन रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड एटम के पास में लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग हो गया, और OH एक एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, तो इसलिए फर्दर रिएक्शन जो होगी वो OH के अकॉर्डिंग ही होगी। तो इसका मतलब OH की पैरा पोजीशन तो ब्लॉक है, इसलिए OH की ऑर्थो पोजीशंस पे अटैक हो जाएगा, और OH की दोनों ऑर्थो पोजीशंस आइडेंटिकल है, वो एक ऑप्शन ए में दे रखा है, ऑप्शन सी के अंदर दे रखा है, और ऑप्शन डी के अंदर भी दे रखा है। क्यू के अंदर अगर हम देखेंगे तो ये जो है CH3 भी ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है हाइपरकॉन्जुगेशन की वजह से, और मिथॉक्सी ग्रुप जो है वो भी ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है मीजोमेरिक इफेक्ट की वजह से। तो ये भी हमारा जो है इसके अंदर जो डोमिनेटिंग ग्रुप होगा, जो ज्यादा एक्टिवेटिंग होगा, उसके अनुसार रिएक्शन होगी। तो अब यहाँ पे ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप जो है वो मिथॉक्सी ग्रुप है बिकॉज ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट, तो इसकी ऑर्थो पोजिशन पे सिग्निफिकेंट अटैक होगा, पैरा इसकी ब्लॉक है। तो इसकी ऑर्थो पोजिशन पे अटैक अगर हम देखेंगे तो वो हमें ऑप्शन नंबर सी के अंदर नजर आ रहा है, और ऑप्शन नंबर डी के अंदर नजर आ रहा है।
ठीक है, तो अब देखिए हमने यहाँ पे पी के बेसिस पे कहा था कि हमारा या तो आंसर ए होगा या फिर हमारा आंसर जो है वो सी होगा या फिर हमारा आंसर जो है वो डी होगा, बट क्यू के अनुसार अगर हम देखेंगे तो हमारा आंसर या तो सी और जो है वो डी होगा। तो अब सी और डी जो है ए के अनुसार भी सी और डी लग रहा है और पी क्यू के अनुसार पी के अनुसार भी सी और डी लग रहा है और क्यू के अनुसार भी सी और डी जो है वो एक्सपेक्टेड है। अब आंसर जो है वो एस ही कंक्लूड करेगा। एस के अंदर अगर हम देखेंगे तो बेंजीन रिंग से ये जो ग्रुप लगा हुआ है ये एक टाइप का डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है और इस बेंजीन रिंग के लिए ये जो ग्रुप लगा हुआ है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो फर्दर रिएक्शन जो है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप के अकॉर्डिंग होगी और एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग पर हो जाएगी। इस एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग के अंदर अगेन इस ओ का जो है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट रहेगा और ऑर्थो पे स्टेरिक क्राउडिंग होगी, पैरा पोजिशंस पे जो है वो सिग्निफिकेंट और मेजर अटैक हो जाएगा। तो पैरा पोजिशंस पे हमें NO2 देखना है इस बेंजीन रिंग की, ये जो फिनॉक्सी वाला जो है तो यहाँ पे तो कोई ग्रुप भी नहीं लगा हुआ, इसमें भी कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ, इसमें पैरा पोजिशन पे ग्रुप लगा और इसमें तो इसकी मेटा पोजिशन पे ग्रुप लग गया, तो ये तो रिजेक्ट हो गया। तो ये हमारा डिसाइडिंग फैक्टर हो गया कि आंसर जो होगा वो सी होगा नॉट डी। हम ऑफिशियल आंसर को देख लेते हैं कि ऑफिशियल आंसर हमारा क्या है, तो ऑफिशियल आंसर भी इसका सी आ गया जो भी जो कि हमने एक्सपेक्ट किया था। नेक्स्ट मूव करते हैं हम, ये क्वेश्चन नंबर 11 2011 के पेपर नंबर 1 से है। अमंग्स द गिवन ऑप्शंस द कंपाउंड्स इन विच ऑल द एटम्स आर इन वन प्लेन इन ऑल द पॉसिबल कन्फॉर्मेशंस इफ एनी। तो कन्फॉर्मेशंस तो उसी के अंदर हो सकते हैं जिसके अंदर कोई सिंगल बॉन्ड होगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन से ही कन्फॉर्मेशंस हो सकते हैं। तो इसका अलावा ऑप्शन नंबर सी के अंदर कोई भी सिंगल बॉन्ड नहीं है, दो पॉलीवेलेंट एटम के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है उसको रोटेट करने से उसके कोई कन्फॉर्मर्स पॉसिबल नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी में कोई कन्फॉर्मर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी में कोई कन्फॉर्मर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी के अंदर अभी हमने थोड़ी देर पहले जो है वो क्यूमुलेटेड डाइन का स्ट्रक्चर्स बनाया था, उसमें बताया था मैंने कि ये ऐसे इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है ना, कि इधर के जो बॉन्ड होंगे वो पेपर के प्लेन में होंगे, इधर के बॉन्ड जो है पेपर के परपेंडिकुलर प्लेन में होंगे। तो ये जो हमारा सी जो है ये एक टाइप का कंपाउंड है, इसमें सारे एटम एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये जो कार्बन हाइड्रोजन अगर पेपर के प्लेन में है तो इधर तो कोई अदर एटम ही नहीं है, वो तो एक लीनियर ग्रुप टाइप का हो गया। तो सी के अंदर तो पहली बात देखिए इसका कोई कन्फॉर्मर पॉसिबल नहीं होगा एंड सी इज प्लेनर, तो सी तो डेफिनेटली आंसर है ही है। डी को अगर आप देखोगे तो ये इसका कोई कन्फॉर्मर पॉसिबल नहीं है लेकिन ये नॉन प्लेनर है, इसके सारे एटम एक प्लेन में लाई नहीं कर सकते हैं, एक ही कन्फॉर्मर होगा, एक ही स्ट्रक्चर होगा और उसमें भी सारे एटम एक प्लेन में लाई नहीं कर सकते हैं। ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक स्ट्रक्चर बताया था, पिछले वीडियो के अंदर बताया था, नॉट थोड़ी देर पहले, तो उस वीडियो के अंदर आप जस्ट वापस से चेक कर सकते हो। मैं यहाँ पे और ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको कि ये क्या होगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि एलीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है कि इतना अरेंजमेंट जो होता है वो पेपर के प्लेन में होता है और ये वाला जो पार्ट है वो पेपर के परपेंडिकुलर प्लेन में आता है। अब ये इतना क्यों हो गया, क्या हो गया, ये ऑलरेडी आपको क्लास में बताया जा चुका है, ठीक है, तो जस्ट एक क्विक रिविजन टाइप का है। तो ये इतना पार्ट जो है वो हमारा इन द प्लेन ऑफ द पेपर है और ये जो पार्ट है वो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर है। पेपर का जो प्लेन है हमारा, अगर वो हम ले लेते हैं, मार्किंग कर लेते हैं कि पेपर का प्लेन जो है वो एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, और ये उसका अबव द प्लेन है। तो ये इतना हिस्सा जो है हमारा वो एक्स वाई प्लेन के अंदर है और ये वाला जो हिस्सा है वो एक्स जेड प्लेन के अंदर है, अबव द प्लेन। तो इसलिए इसका एक ही कन्फॉर्मर पॉसिबल है और इसके सारे आइटम जो है वो एक प्लेन में लाई नहीं कर रहे हैं, तो डी आंसर तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब बी ऑप्शन को अगर आप देखेंगे तो बी ऑप्शन के अंदर ये जो पार्ट है, देखिए जिसको मैं यहाँ पे जो है आपको हाईलाइट कर रहा हूँ कर्सर के थ्रू, ये इतना पार्ट जो है वो लीनियर पार्ट है, ये हमेशा एक लाइन की तरह लाई करेगा, ठीक है। और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट अगर आप देखेंगे तो इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो sp2 है और sp2 एटम के अराउंड सारे एटम एक ही प्लेन में लाई करते हैं और इसके अंदर इसके कन्फॉर्मर होंगे, सिर्फ इस बॉन्ड के अबाउट इसके कन्फॉर्मर होंगे और इस बॉन्ड को रोटेट करने से इस लाइन के अंदर अरेंजमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो जिस प्लेन के अंदर ये एटम लाई करेंगे उसी प्लेन में ये एटम भी लाई करेंगे, इसका मतलब बी के वेरियस कन्फॉर्मर्स पॉसिबल होंगे और उन कन्फॉर्मर्स के अंदर जो है सारे एटम एक ही प्लेन के अंदर लाई करेंगे, सारे कन्फॉर्मर बेसिकली आइडेंटिकल टाइप के ही होंगे। तो और ए ऑप्शन को अगर आप देखोगे तो इसमें ये सिंगल बॉन्ड है, इस सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन से इसके कन्फॉर्मर पॉसिबल होंगे। सपोज ये वाला जो हमारा हिस्सा है इसको मैं होल्ड कर लेता हूँ,
ये लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो है, मैं इस कार्बन को अगर होल्ड कर लेता हूँ और इस कार्बन को एग्जैक्ट 90 डिग्री के एंगल से घुमा देता हूँ, तो फिर ये वाला जो हिस्सा है आपको पेपर के परपेंडिकुलर प्लेन में मिलेगा। तो इसका मतलब अब इस कन्फॉर्मर के अंदर सारे आइटम एक प्लेन में लाई नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसलिए एक के कन्फॉर्मर्स पॉसिबल होंगे और इसके अंदर सारे कन्फॉर्मर्स के अंदर ऑल एटम कैन नॉट लाई इन वन प्लेन, सो ए कैन नॉट बी द आंसर, बी कैन बी आंसर एंड सी कैन बी आंसर एंड डी अगेन इज ऑलरेडी नॉन प्लेनर सो नॉट पॉसिबल आंसर। तो इसका ऑफिशियल आंसर जो है हमारा कुछ बी और सी टाइप का होना चाहिए और वो बी और सी टाइप का ही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, टोटल नंबर ऑफ एल्कीन्स पॉसिबल बाय डीहाइड्रोब्रोमिनेशन ऑफ 3-bromo-3-cyclohexane यूजिंग एल्कोहलिक KOH। तो ये एक स्ट्रक्चर आ गया हमारे पास में, इस स्ट्रक्चर के अंदर हमें ढूंढना है टोटल नंबर ऑफ एल्कीन्स जो है कितनी बन सकती है। तो ये जो है आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिए, उस स्ट्रक्चर के अंदर जिस कार्बन एटम पर ये जो आपका ब्रोमीन लगा हुआ है उसके एडजेसेंट कार्बन से एक हाइड्रोजन हटाना है क्योंकि अल्कोहलिक KOH इलिमिनेशन करता है। तो जिस कार्बन पे ब्रोमीन लगा हुआ है उसके एडजेसेंट पोजीशंस पे ऐसे से 3 कार्बन एटम हो सकते हैं और हर एक कार्बन के पास में हाइड्रोजन होने से 3 एल्कीन बन सकती है। अब हर एक एल्कीन का कोई स्टीरियो आइसोमर हो सकता है और यहां पे हमें स्टीरियो आइसोमर्स के लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को कंसिडर करना है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो है हमारे पास में 3-bromo-3-cyclopentylhexane। तो ये हमने यहां पर हेक्सेन ले लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इस हेक्सेन के अंदर थर्ड कार्बन एटम पर एक ब्रोमीन प्लेस्ड है तो थर्ड कार्बन एटम पर हमने ब्रोमीन को प्लेस कर दिया और इस थर्ड कार्बन एटम पर जो है हमारा साइक्लोपेंटाइल ग्रुप अटैच्ड है। तो ये साइक्लोपेंटाइल ग्रुप जो है हमारा अटैच हो गया यहाँ पे। अब इसके एडजेसेंट कार्बन एटम को अगर हम देखेंगे, देखो यहाँ पे सिंपल सा डी हाइड्रोब्रोमिनेशन हमें कराना है, तो ये एक एडजेसेंट कार्बन एटम है विथ हाइड्रोजन एटम, ये एक एडजेसेंट कार्बन एटम है विथ हाइड्रोजन एटम और एक ये एडजेसेंट कार्बन एटम है विथ हाइड्रोजन एटम। इन कार्बन से हम हाइड्रोजन एटम रिमूव कर लेते हैं, तो इन कार्बन से हाइड्रोजन एटम जब रिमूव कर लेंगे तो वेरियस एल्कीन्स के स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे हमारे पास में। अब मैं अगर ये वाला जो कार्बन है इसका हाइड्रोजन अगर हटा देता हूं तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये 5 मेंबर रिंग हमारा एज इट इज बना रहेगा। इस कार्बन से अगर मैं हाइड्रोजन रिमूव करता हूं तो डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा और इस कार्बन का हाइड्रोजन अगर हम रिमूव करते हैं तो डबल बॉन्ड जो है वो यहां आ जाएगा। अब इसके अंदर ये जो हमारा प्रोडक्ट बना है, इस प्रोडक्ट के अंदर ये स्टीरियोजेनिक डबल बॉन्ड है और यहां पर इसके अंदर ये स्टीरियोजेनिक डबल बॉन्ड है, इसके अंदर कोई स्टीरियोजेनिक डबल बॉन्ड नहीं है, जिसका मतलब इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि प्लस इसका जो है वो डाइस्टीरियोमर्स बन जाएगा, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के लिए हमें देखना है तो इसका जो है डाइस्टीरियोमर्स बन जाएगा, दैट इज स्टीरियो आइसोमर। और यहां पर भी जो है वो स्टीरियो आइसोमर्स इसका प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ऑल टुगेदर अगर हम देखते हैं तो टोटल 5 स्ट्रक्चर्स जो है वो बन जाएंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी एग्जामिनर जो है वो थोड़ा डेविएट कर रहा है अपने सिलेबस से, डिफाइंड सिलेबस से ये जो है डेविएट कर रहा है। तो आपने अगर ध्यान से इफ यू रिमेंबर बेसिकली सिलेबस को एक बार आप और स्टडी कर लेना, अपने पास सिलेबस रखना, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है कि जो हमारे पास में ये एडिशन और एलिमिनेशन रिएक्शंस है इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री हमें कंसिडर नहीं करनी है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा आंसर आ रहा है वो इस एलिमिनेशन रिएक्शन की स्टीरियो केमिस्ट्री को कंसिडर करते हुए आंसर आ रहा है, ठीक है जी। अब देखिए मैंने पहले भी बताया था कि आपको टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करते हैं या टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स फाइंड आउट करने होते हैं, सो ऑलवेज इंक्लूड स्टीरियो आइसोमर्स। अब एग्जामिनर इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, ऐसे ऐसे कुछ मतलब गाइड कर सकता है मैं, लेकिन कुछ भी अगर नहीं लिखा होगा सो प्लीज रिमेंबर कि हमें हमेशा इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स ही आंसर देना होता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे स्टीरियो आइसोमर्स को इंक्लूड, देखिए सेटजप्स रूल हम फॉलो करते हैं, सेटजप्स रूल के अंदर सिस और ट्रांस भी बन सकता है, सिस ट्रांस में सिस जो है हमारा माइनर होगा और ट्रांस जो है वो मेजर होगा। तो यहाँ पे ऑफिशियल आंसर मेरे हिसाब से 5 होना चाहिए। हम चेक कर लेते हैं कि ऑफिशियल आंसर क्या है। तो ऑफिशियल आंसर देखिए इसका 5 ही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये थोड़ा सा इसके अंदर जो है आउट ऑफ सिलेबस पार्ट आया है, बट वो कोई बहुत ज्यादा नहीं है,
ठीक है, बहुत माइनर सा इसके अंदर जो है वो सिलेबस से डेविएशन हुआ है। आप जानते हो अच्छी तरीके से कि सिस भी बन सकता है, ट्रांस भी बन सकता है, क्लास में बता सकते हैं, तो इतना डेविएशन जो है वो एक्सपेक्टेड है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं आ गया कि आप मतलब जानते ही नहीं हो कि यहाँ पे क्या होगा, कैसे होगा सिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आ गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स दैट आर पॉसिबल ऑन मोनोक्लोरीनेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। एक कंपाउंड का मोनोक्लोरीनेशन हो रहा है और इस मोनोक्लोरीन इसका मोनोक्लोरीनेशन करेंगे तो कुछ प्रोडक्ट बनेंगे, कितने पॉसिबल प्रोडक्ट बनेंगे, यहाँ पे हमें वो गाइड कर रहा है इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। तो देखिए इस कंपाउंड को अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर एक सिमेट्री नजर आ रही है, तो इसका मतलब इस कार्बन के रेस्पेक्ट में अगर मैं देखूंगा तो एक प्रोडक्ट इन तीनों में से किसी एक हाइड्रोजन को हटाने से बन सकता है, एक प्रोडक्ट इस हाइड्रोजन को रिमूव करने से बन सकता है, एक प्रोडक्ट इन दोनों में से किसी को हटाने से बन सकता है, एक प्रोडक्ट इन तीनों में से किसी को हटाने से बन सकता है। इधर वाला जो C2H5 है और इधर वाला जो C2H5 है वो आइडेंटिकल है, किसी टाइप का बन जाएगा। अब हम इनको स्ट्रक्चर्स को बना करके फिर ये चेक करेंगे कि किसी का स्टीरियो आइसोमर बन रहा है नहीं बन रहा है। तो अगेन ये जो है हम स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके देख लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है। सो ये जो हमारे पास में कंपाउंड है इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन की चेन है, तो ये हमने 5 कार्बन की चेन बना ली और इस 5 कार्बन की चेन में यहाँ पे एक ये CH3 भी अटैच्ड है। तो इसके अंदर ये जो मेरा कार्बन एटम है वो कोई फर्स्ट टाइप का हो गया, ये सेकंड टाइप का कार्बन हो गया, ये थर्ड टाइप का कार्बन हो गया और ये फोर्थ टाइप का कार्बन हो गया, और इन सभी कार्बन के पास में जो है हाइड्रोजन एटम है। अब इसका अगर मैं मोनोक्लोरीनेशन अगर कर रहा हूँ लाइट की प्रेजेंस में, तो किसी एक कार्बन के हाइड्रोजन को क्लोरीन से सब्सिट्यूट कर देना है। तो जो वेरियस पॉसिबल प्रोडक्ट है वो देख लेते हैं हम क्या है। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया कि जो हमारा फर्स्ट कार्बन एटम है उसी के हाइड्रोजन को हमने हटा दिया, तो ये यहाँ पर एक Cl आ गया, ठीक है। फिर हमने क्या किया है कि सेकेंड कार्बन का जो हमारा हाइड्रोजन है उसको हमने हटा दिया है और ये एक यहाँ पर Cl आ गया, और ऐसे ही जो है हमारे पास में थर्ड कार्बन के हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया है और फोर्थ कार्बन के हाइड्रोजन को हमने रिमूव कर दिया है। तो ये वेरियस केसेस आ गए। ऐसा करने के बाद में अब आपको ये देखना है कि ये जो भी हमने प्रोडक्ट कंसीडर किए हैं इसमें किसी में कोई कायरल सेंटर है या नहीं है, और इसके अंदर पहले से कहीं पर भी कोई कायरल सेंटर नहीं है, नो कायरल सेंटर इन दिस रिएक्टेंट, नो कायरल सेंटर, तो ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। लेकिन इसमें जो है हमारा ये वाला जो कार्बन है एवेस्ट, मतलब इस कार्बन के पास में तो टेंडेंसी नहीं है, बट ये जो दो कार्बन है दीज टू कार्बन एटम हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू बिकम कायरल। अभी ये कायरल नहीं है। तो देखिए यहां पे कोई भी हमारे पास में पहला जो स्ट्रक्चर बन गया है, इस पहले स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी कार्बन जो है वो कायरल नहीं है, तो ये एक ही स्ट्रक्चर होगा, इसका कोई स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल नहीं है। इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो इसमें भी कोई स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोई काइरल कार्बन एटम नहीं है, तो ये भी एक ही स्ट्रक्चर होगा, ये दो इनका एक एक ही स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस होगा। इसमें अगर हम देखेंगे तो ये कार्बन जो है हमारा वो काइरल कार्बन एटम है और ये कार्बन भी काइरल कार्बन एटम है, और ये दोनों कार्बन पहले से काइरल नहीं थे, इसी रिएक्शन की वजह से ये दोनों कार्बन काइरल हो गए। तो इस रिएक्शन की वजह से जो काइरल कार्बन एटम होगा, तो यहाँ पे जानते हो आप लोग कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के अंदर जो है इंटरमीडिएट होता है वो एक रेडिकल इंटरमीडिएट होता है, और रेडिकल इंटरमीडिएट जो है वो प्लेनर इंटरमीडिएट होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट प्लेनर इंटरमीडिएट इन दोनों के रेस्पेक्ट में हम इसके टोटल 4 स्टीरियो आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स जो प्रोडक्ट होंगे, 4 स्टीरियो आइसोमेरिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे यहाँ पे, टोटल 4 स्ट्रक्चर्स इसके बनेंगे। नाउ जो ये प्रोडक्ट है इसको अगर हम देखेंगे तो यहां पे ये जो हमारा कार्बन है ये भी काइरल हो गया, तो इसके रेस्पेक्ट में भी इसके स्टीरियो आइसोमर्स जो है वो पॉसिबल होंगे, ठीक है। और ये कार्बन पहले से काइरल नहीं था, ये अभी इसी रिएक्शन की वजह से काइरल हुआ है। तो सब्स्टिट्यूशन के अंदर बिकॉज ऑफ रिएक्शन अगर कोई कार्बन काइरल होता है प्रोडक्ट के अंदर, तो फिर उस कार्बन के रेस्पेक्ट में प्रोडक्ट के 2 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हो सकते हैं। तो यहाँ पे हर एक कार्बन के रिस्पेक्ट में 2 स्ट्रक्चर्स है और कहीं पे भी कोई सिमेट्री की पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए 4 प्रोडक्ट हो गए। और इधर अगर हम देखेंगे तो ये 2 जो है स्टीरियो आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स होंगे, 2 स्टीरियो आइसोमेरिक प्रोडक्ट इसके अंदर बनेंगे।
तो ये सारे प्रोडक्ट्स को अगर आप काउंट करते हैं तो ये हमारे पास में जो है 4, 6, 7 and 8, तो टोटल 8 स्टीरियो आइसोमेर, टोटल 8 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। तो इसका हमारा जो आंसर है वो 8 होना चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं ऑफिशियल आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो ऑफिशियल आंसर है वो आंसर 8 है।